ये था घड़ी जो हेलो ब्रो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? वापस एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम लोग चलेंगे इंडिया का सबसे ऊंचा फ्लैग जहाँ पे लगा था, और वो है फरीदाबाद। और ये टाउन पार्क हरियाणा का सबसे बड़ा पार्क है जो, और इस पार्क में आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे टैंक, जो पुराने टैंक थे, और फाइटर प्लेन, ये सब बहुत ऐसा कुछ है। और चलिए हम लोग चल के देखेंगे साथ में। और साथ में है विक्की और रजनीश। अब पहुंचने वाले हैं टाउन पार्क थोड़ी देर में। अब भैया पहुंच ही जाएंगे कुछ देर में, क्योंकि वो रहा मेन गेट, शायद आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद अंदर चल के बात करते हैं। तो वेलकम टू टाउन पार्क। टाउन पार्क में आपका स्वागत है। और कुछ काफ़ी बड़ा है पार्क। आपको लाइट, धूप की वजह से है जो लाइट नहीं आ रहा। आगे चल के फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ भीड़ तो काफ़ी है। इधर झूला है, इधर चला झूला, इधर चलेंगे लास्ट में। और पहले तो देखना है वो फ्लैग किधर है, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो ये रहा फ्लैग, लेकिन अभी इसमें झंडे हैं नहीं, और पता नहीं किस वजह से है जो अभी नहीं है। लेकिन सबसे पहले यहीं पे है जो फरीदाबाद में, आपको पता होगा शायद, सबसे पहले यहीं सबसे ऊंचा झंडा लगा था, और यही पार्क में, जो अभी किसी वजह से है जो हटा दिया गया होगा। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, कुछ बहुत सारा आपको यहाँ पे देखने कुछ मिलेगा। तो चलते हैं, पहले पता कर लेते हैं और क्या क्या है। हमको तो बस इतना पता था यहाँ सबसे ऊंचा फ्लैग लगा था, लेकिन अभी है जो हटा दिया गया है, और इसकी बात की जानकारी है नहीं। तो सॉरी, यहाँ पे है जो दिखा नहीं पाए। तो कुछ और है जो देखते हैं, उसके बाद आपको फिर है जो दिखाते हैं। तो ये है जो, गेस कीजिए क्या हो सकता है। ये था घड़ी जो अभी है जो, ये भी इसको सब तोड़ तार के, घड़ी का कांटा किधर गया और टाइमिंग किधर गया पता नहीं चल रहा, लेकिन काफ़ी अच्छा था। और ये जो देखिए फ्लोरट क्लॉक, लेकिन घड़ी बहुत अच्छा था, एग्जैक्ट टाइम बताता था वो। ये नहीं कि वो सिर्फ डिज़ाइन बना दिए घड़ी जैसा और कुछ उसमें होता नहीं है, ऐसा नहीं था वहाँ, उसमें टाइम भी दम बताता था। बट अब है जो ख़राब हो गया। इसे पता चल गया होगा ये, हाँ ये टॉलेस्ट फ्लैग था, मतलब है, और अभी कौन सा है पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रहा मतलब फ्लैग का ग्राउंड, इतना बड़ा, काफ़ी सुंदर। और फ्लैग के जस्ट सामने है जननायक चौधरी देवीलाल, इनका ये स्मृति है। उसके बाद कुछ इस तरह का यह सीन है। चलते हैं, जो टैंक है ना जो युद्ध में यूज हुआ था, और फाइटर प्लेन, वो चल के देखते हैं। उसके बाद फिर और कुछ है जो पता करते हैं क्या है नहीं है।
कुछ इस तरह का ही ग्राउंड है बाहर का। और ये रहा जो पहले आते हैं फाइटर प्लेन के पास, कुछ इस तरह का है। यहाँ लाया कैसे गया होगा पता नहीं। आता था ये हॉकर कंपनी लिमिटेड, बाद बाकी आप है जो फोटो खींच कर आपको रख लेंगे, आप है जो पढ़ लीजिएगा। इसका है जो 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान है जो किया गया था, और फर्स्ट इसको किया गया था 1961 में गोवा में। जस्ट इसके सामने आपको टैंक दी इसके है जो इस तरह है, इसके बारे में भी जानते हैं। अभी अलावा खींच दी और इसको भी 1971 में पाकिस्तान की लड़ाई में किया गया था, तो दोनों को है जो पाकिस्तान कहेंगे जो लड़ाई हुआ था उसमें है जो इसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पे भी काफ़ी समय हम लोग बिताए और काफ़ी अच्छा लगा, और ये सब है जो जानकर अच्छा लगा कि चलिए ये लोग ये सब है जो युद्ध में युद्ध मतलब कि ये चीज़ हुआ। और हम लोग काफ़ी फ़ोटो खिंचाए, और आपको फ़ोटो देखना हो तो ये जो मेरा इंस्टा आईडी है निराला सत्यम, उस पर आप है जो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह का है स्टेडियम जो मतलब काफ़ी खूबसूरत, और बैठने का जो सीट है ना काफ़ी लाजवाब है। और ये जैसे कुछ प्रोग्राम टाइप का या फिर कुछ छोटा सा जो बैडमिंटन टाइप का जो खेल होता होगा ना उसके लिए, बाद बाकी तो पता नहीं, बट कुछ ऐसा सीन है। और उधर फोटो शूट चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक बैठने के बाद है जो सुकून मिलता है, काफ़ी शांति जगह, और 10 मिनट बैठते हैं अच्छा लगता है बैठने पर। उसके बाद एक दो फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे ऑडियंस घर में आएगा। तो भाई और बहनों भाई और बहनों नहीं है तो भाई और बहनों, अगर इंस्टा पे आप फॉलो नहीं किए हो तो आप भाई वहाँ ज़रूर कीजिएगा, और मेरा फोटो लाइक कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। पार्क है सबसे बड़ा पार्क है, और इस पार्क का जो खासियत है ना, एक तो है कि ये अभी खुला है, और क्योंकि हर जगह है जो बंद ही दिखा, लेकिन ये पार्क है खुला। और सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये फ्री है, यहाँ पे 1 रुपया भी है जो एंट्री फी नहीं है, और काफ़ी खूबसूरत पार्क है और एंट्री फी नहीं है सबसे बड़ी बात होता है। तो इस जगह है जो काफ़ी टाइम बिता, और चलते हैं यहाँ से, शाम काफ़ी टाइम हो गया है इस टाइम, और है जो भीड़ बढ़ गया है। उधर चलेंगे, उधर से काफ़ी भीड़ हो गया है इस टाइम, पहले से ज़्यादा। शाम जितना ढल रहा है उतना है जो भीड़ यहाँ बढ़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।
इतना भीड़ है जो पार्क में जो लॉकडाउन के बाद है जो पहली बार देखे, पहले जैसे माहौल ना उतना कभी डर, मास्क है, लोग लगाए हुए हैं लेकिन कम है। तो इधर है जो बच्चों का पार्क है, जो बच्चे हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए है, हम लोग भी है जो खेल सकते हैं लेकिन होगा नहीं, काफ़ी बच्चा है, अच्छा लगता है। हाँ झूला झूल के देखते हैं, आ जाओ झूला झूलते हैं। बच्चा हुआ झूला ये वाला, बच्चों संग झूला झूलने का बात ही अलग है, बहुत मज़ा आता है। और तो तीनों है जो साथ में झूले, और बच्चा का झूला था अब चलते हैं दूसरे तरफ, जो वो भी है बच्चा कहीं झूला है जो वो फ्री नहीं है, वो उसमें है जो कुछ पैसा लगते हैं। अब है जो शाम भी हो गया, उसके बाद है जो कुछ देर और रुकेंगे, फिर है जो निकलेंगे घर की ओर, और काफ़ी दूर भी है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ओ गॉड, कुछ इस तरह का है झूला, मेला टाइप का, ये देखिए बंद पड़ा है और वो चालू है, बाद बाकी सब चालू है, तो कुछ इस तरह का है, और बच्चों के नहीं सिर्फ सियाने के लिए भी है। बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है झूला, अच्छा तो लग रहा है। और काफ़ी अंदर है, और चलकर देखते हैं। इस तरह का यहाँ का है, इतना झूला है ना जो एक दिन में घूमने मतलब कर नहीं सकते, काफ़ी झूला है यार। झूला है कि जो कुछ बच्चों के लिए है एक दो, लेकिन ये तो हर पर्सन के लिए है, बच्चे के साथ, बच्चे के मम्मी पापा के लिए भी है, और मेरे जैसे के लिए कुछ नहीं। तो अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्क है। और काफ़ी मज़ा आया, और कैसा लगा? मज़ा आया बहुत। तो अब है जो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो अब हम लोग है जो शाम भी हो गया है, तो घर अब निकलते हैं, तो वीडियो का अब यहीं स्टॉप करते हैं। तो आप लोग को भी कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा। ओके, फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ और ऐसा नया जगह और इंटरेस्टिंग जगह पे। तो आप है जो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।